लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंडक्शन स्टार्ट किया था, है ना? कंडक्शन हाँ सर, का डेफिनेशन बताया था, स्टेडी स्टेट अनस्टेडी स्टेट बताया था, टेम्परेचर ग्रेडियंट बताया था, फिर कंडक्शन में लॉ ऑफ कंडक्शन बताया था जो कि ओम्स लॉ के जैसा ही था, ठीक है? हाँ सर, के बाद ये वाला क्वेश्चन किया था, फिर इस क्वेश्चन में एक शॉर्टकट बताया था कि दिस इज सिमिलर टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रेडियस, नाइस। बताया था ना? इस क्वेश्चन को ओरली भी आंसर लिख सकते हैं ऐसा कुछ। नहीं सर, ऐसा आई गेस नहीं होगा। कुछ भी बताया था शायद। नहीं बताया था, ठीक है चलो फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन ये वाला किया था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है? बोलो हाँ या ना। हाँ लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये था और जो आंसर आया था वो ऐसा आया होगा के इनटू पाई R1 R2 इनटू डेल्टा टी दैट इज θ2 - θ1 डिवाइडेड बाय L। देखो तो यही आंसर था, यस सर, तो ये आंसर आप ओरली भी लिख सकते हो। कैसे? एक शॉर्टकट देखो, रादर नोट देखो, नोट दिखा देता हूँ। तुम लोग प्रोग्रेशन पढ़ चुके हो APGPSP, हाँ सर, तो प्रोग्रेशन जो आप पढ़े हो ना उसको इस्तेमाल करना भी सीखो। अभी जो लिख रहा हूं ये फैक्ट है, मैथमेटिकल फैक्ट है और इसका समझो तो प्रूफ हमने देख ही लिया है। इफ अ फंक्शन एक्स इंक्रीजेस लीनियरली देन X² विल बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या इंक्रीजेज ज्योमेट्रिकली, एक ही बात है, इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और अगर ये बात पता है तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर अगर आप शॉर्टकट लगाओगे तो हम क्या लिखते हैं? हीट करंट लिखते के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल, ऐसा लिखते हैं। अगर ये एरिया चेंज नहीं करता तो यही आंसर होता ना। हाँ सर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हमारा होगा उसमें क्या है, एक्चुअल में R² का टर्म है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन होगा दैट इज R1² × R2² का रूट इंटू डेल्टा थीटा अपॉन एल। आया समझ में? जो कि इतने लंबे डेरिवेशन के बाद भी हमने देखा था, यही आया था ना, है ना? हाँ सर, तो दिमाग लगाओगे तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं तुरंत, ठीक है? आगे बढ़े, इसको लिख लो पहले, इस नोट को लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़े। एक मिनट सर, हो गया। ठीक, एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो भी नंबर हुआ देखो, फोर्थ होगा ना, फोर्थ दिख रहा है आपको? हाँ सर, कोशिश करो। जरूरत नहीं है, डायग्राम भी मान लो दे दिया मैंने। तो ऐसा है कि यहाँ सेंटर पर एक हीटर है, जिस हीटर का पावर पी है ना, है ना? हाँ सर। और इनर का टेम्परेचर टी सी, मतलब इसका ये जो रेड वाला स्फीयर है, इसका टेम्परेचर है टी सी, और ये जो बाहर वाला स्फीयर है, इसका टेम्परेचर टी एच है, ठीक है? और दोनों का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है कि जो हीट जो यहां से निकल रहा है वही बाहर जा रहा है, तो हीट करंट पी के बराबर होगा। ये जो पावर पी है ये हीट करंट के बराबर होगा। यस, तो वही कोशिश करना है। तो ये हीटर का पावर पी इज इक्वल टू हीट करंट डी क्यू बाई डी टी होगा, समझ आया? और ये दोनों अगर इक्वल नहीं होगा, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रह ही नहीं सकता, है ना? हीटर से जितना पावर निकला वो कंडक्ट होके बाहर चला गया, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। हाँ सर। चलिए, इतना हिंट सफिशियंट है, कोशिश कीजिए।
इनर वाला हॉट है, बाहर वाला कोल्ड है ना? मैंने गलत पढ़ लिया था, बाहर वाला कोल्ड है, इनर वाला हॉट है, मतलब ये रेड वाला टी एच है और ब्लू वाला टी सी है, ठीक है? बोलो हुआ कुछ? बोलना भाई, कुछ नहीं किया तुम लोगों ने। चलो देखो, यहां से x डिस्टेंस पर किया भी हुआ, यहां पर dx लेंथ का, dx थिकनेस का स्ट्रिप लेंगे, तो इससे जो हीट फ्लो होगा dq by dt, उसको क्या लिखेंगे?
माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स ऐसा लिखेंगे। स्टेडी स्टेट कंडक्शन है तो डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट होगा एच के बराबर। एच क्या अपने केस में तो पी के बराबर होगा, ये पी दिस इज इक्वल टू माइनस के, एरिया मेरा हो जाएगा 4πx² डी टी बाई डी एक्स। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा पी इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4πkdt हो गया ऐसा। हाँ सर, दोनों और इंटीग्रेट कर दो। जब x की वैल्यू r1 के बराबर है तो टेम्परेचर की वैल्यू th के बराबर है, और जब x की वैल्यू r2 के बराबर है तो टेम्परेचर की वैल्यू tc के बराबर है। 1x² का इंटीग्रल माइनस 1x, लोअर लिमिट r1 अपर लिमिट r2, दिस इज इक्वल टू माइनस 4πk tc माइनस th ऐसा होगा। यस सर। सो ये हो जाएगा p इंटू 1r1 माइनस 1r2 इज इक्वल टू 4πk th माइनस tc। तो p इंटू आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन आर टू इज इक्वल टू 4πk टी एच माइनस टी सी है ना। तो p की वैल्यू हो गई 4πk, ऐसे लिख देता हूं, k इंटू 4πr1r2 th माइनस tc डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1 हो गया ऐसा। हाँ सर, ध्यान से देखोगे तो इसमें भी लेंथ ऑफ फ्लो क्या है, r2 माइनस r1 है। हाँ सर, लेंथ, तो लेंथ ऑफ फ्लो r2 माइनस r1 है, और ऊपर सरफेस एरिया का ज्योमेट्रिकल मीन दिख रहा है। हाँ सर, ये दिख रहा है ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ सरफेस एरिया। तो अगर इसमें भी आप ध्यान से देखोगे तो एक लाइन में इसका भी आंसर बताया जा सकता था, बट हाँ, खुद से इतना दिमाग लगाना आसान नहीं है, इसीलिए आप लोग ये मेथड भी सीखो और शॉर्टकट दोनों सीखो। जल्दी कॉपी कर लो इसको।
लिख लिए, आगे बढ़े। बस एक मिनट। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर, ठीक है। एक और क्वेश्चन कीजिए। दिख रहा है? यस सर। कोशिश कीजिए।
हो गया सर। बोलो क्या आंसर आया? सर ए पार्ट का के इंटू टी टू माइनस टी वन बाई एल इंटू पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, बी पार्ट का के इंटू टी टू माइनस टी वन बाई आर टू माइनस आर वन इंटू टू पाई आर वन आर टू एल। गलत है शायद। देखो फर्स्ट पार्ट में लेंथ एल इनर रेडियस आर वन आउटर रेडियस आर टू, तो ठीक है ये रेडियस आर वन है ये रेडियस आर टू है, ठीक है फर्स्ट पार्ट में बोल, और लेंथ एल है। देखो फर्स्ट पार्ट में बोला है द फ्लैट एंड्स आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर टी वन एंड टी टू, तो इधर का टेम्परेचर टी वन है इधर का टेम्परेचर टी टू है, तो इस केस में हीट का फ्लो ऐसा होगा, सीधी कहानी है ना। और हीट का फ्लो कितने एरिया से होगा, तो इतने एरिया से होगा, यही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो इस केस में हीट के फ्लो का रेट क्या होगा, के इंटू एरिया दैट इज पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर इंटू डेल्टा टी दैट इज टी टू माइनस टी वन अपॉन लेंथ एल। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। ए पार्ट में कोई दिक्कत किसी को? एरो का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा ना, हाँ टी वन से टी टू उधर से जो बड़ा है उधर से आएगा। तो हीट का फ्लो फ्रॉम टी टू टू टी वन होगा, टी टू से टी वन होगा, ठीक है। ए पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कर लेगा, इसमें दिक्कत नहीं है। मैं बी पार्ट के लिए ये क्वेश्चन दिया था। बी पार्ट में देखो ऐसे समझो, ये है आर वन और ये है आर टू। बी में द इनसाइड ट्यूब टी वन पर है और आउटसाइड टी टू पर है, तो इसका टेम्परेचर टी टू है और
इस सरफेस का टेम्परेचर टी वन है ऐसा, और टी टू टी वन से बड़ा है, मतलब बाहर से अंदर की ओर हीट आएगा, ऐसा होगा? बोलो। हाँ सर। बाहर से अंदर की ओर हीट आएगा। तो अगर हम एक्स रेडियस का dx थिकनेस लें, तो x रेडियस का dx थिकनेस अगर लेंगे, ये छोटा सा dx थिकनेस, तो इस छोटे से dx थिकनेस का एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं जिसका कि रेडियस x है, ऐसा, समझ रहे हो ना? यस सर। यही कहानी इधर भी होगी। तो इससे जब हम हीट फ्लो का रेट लिखेंगे, तो ध्यान से देखना, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, है ना? सो एच इज इक्वल टू माइनस के ए, अच्छा एरिया इसमें क्या लिखेंगे, 2 पाई एक्सएल, सरफेस एरिया ही होता है सिलेंडर का ना? हाँ सर। इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो ये ऐसा कुछ हो गया, एच इंटू डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 पाई के एल डी टी। इसको अगर इंटीग्रेट कर दें तो x इज इक्वल टू आर वन पर टेम्परेचर था मेरा टी वन, और x इज इक्वल टू आर टू पर टेम्परेचर है मेरा टी टू, है ऐसा? तो ये हो गया h ln ऑफ आर टू अपॉन आर वन इज इक्वल टू माइनस 2 पाई के एल टी टू माइनस टी वन, ऐसा होगा? बोलो। हाँ सर। तो एच इज 2 पाई के एल टी वन माइनस टी टू, टी वन ग्रेटर देन टी टू है शायद, डिवाइडेड बाय ln of r2 upon r1, नहीं t2 greater than t1 है ऐसा, 2 greater yes, than sir. कोई बात नहीं, तो 2 greater than 1, तो 2 1 यहां माइनस साइन, यहां पर नेगेटिव साइन क्या बताता है, मेरा x dx अंदर से बाहर है और h नेगेटिव आ रहा है, मतलब बाहर से अंदर आ रहा है, तो नेगेटिव साइन ये बताता है कि फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम बाहर से अंदर, आई बात समझ में? बट वैल्यू यही रहेगा, आया समझ में? एच इज 2 पाई के एल अपॉन ln ऑफ आर टू बाई आर वन इंटू टी टू माइनस टी वन इन द डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड, हो गया ऐसा? आया समझ में या कोई डाउट? लिख लो जल्दी से।
डन सर। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब पिछले लेक्चर में देखोगे तो मैंने ये सिखाया था कि ये लॉ ऑफ कंडक्शन इज सिमिलर टू ओम्स लॉ, है ना? यस सर। इसका मतलब है जैसे ओम्स लॉ में सीरीज पैरेलल ये सब होता था, उसको अगर हम इसमें यूज करें तो कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। जैसे नोट वन नोट टू जो भी नाम देना है दे लो। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है जस्ट एग्जांपल के लिए सपोज ये एक स्लैब है, ये एक दूसरा स्लैब है, ये एक तीसरा स्लैब है। मान लो इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है और इसका लेंथ मान लो L3 है। ठीक है, यहां का टेम्परेचर मान लो T1 है और यहां का टेम्परेचर मान लो T2 है, तो क्या होगा? हीट का फ्लो ऐसे होगा, होगा ना? बोलो। हाँ सर। इसका इसका थर्मल कंडक्शन मान लो K1 है, कंडक्टिविटी इसका K2 है, इसका K3 कुछ भी है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि दिस इज सिमिलर टू थ्री रेजिस्टेंसेज इन सीरीज, जैसा स्कूल में इतना तो पढ़े ही होगे। हाँ सर। R1, R2, R3। तो इस केस में क्या होता था? R इक्विवेलेंट is R1 plus R2 plus R3। तो तीनों में करंट क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R इक्विवेलेंट, यही होता था। हाँ सर। तो उसी तरह इसमें जो हीट करंट H होगा वो क्या हो जाएगा? T1 minus T2, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन हीट करंट क्या हो जाएगा? तो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ वन प्लस थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ टू प्लस थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ थ्री। और थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता था? तो एल अपॉन के ए, अगर याद होगा तो, है ना? देखा था पिछली बार। हाँ सर, टेबल में। तो मेरा ये कहना है इस केस में इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस इज सिमिलर टू दैट ऑफ रेजिस्टेंसेज इन सीरीज। तो इससे क्या होता है, कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होती है। अदरवाइज क्या करेंगे, वही हीट कंडक्शन का इक्वेशन लिख के तीनों में, इसमें एच वन एच टू एच थ्री तीनों को इक्वल करेंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत लेंदी होगा। समझे मेरी बात? हाँ सर। ऑल्सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन या इन सच कॉम्बिनेशन, सीरीज तो कोई नाम है नहीं स्टैंडर्ड इसका, इन सच कॉम्बिनेशन हीट करंट फ्लोइंग थ्रू ईच स्लैब आर इक्वल, है ना? आई बात समझ में? आया समझ में?
हाँ सर, इसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब मान लो ये एक स्लैब है, ये एक दूसरा स्लैब है, ये एक तीसरा स्लैब है, सो ऑन सो फोर्थ, बहुत हो सकता है ऐसा ऐसा, है ना? हाँ सर, ये एंड किसी टेम्परेचर टी वन से है और ये एंड किसी टेम्परेचर टी टू से है। इसका थर्मल कंडक्टिविटी के वन, इसका के टू, इसका के थ्री। इस केस में क्या होगा, हीट का फ्लो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो टोटल हीट फ्लो क्या होगा, इन तीनों का सम होगा, होगा ऐसा? बोलो। बोलो। हाँ सर, तो ऐसा, फिर डेल्टा टी अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ थ्री, यही हो जाएगा ना, डेल्टा टी अपॉन टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, ऐसा। तो यहां से भी वो पैरेलल वाला दिख रहा है कि वन अपॉन इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस इज वन अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस का, आई बात समझ में? हाँ सर, समझ। तो दिस इज सिमिलर टू पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना? और इस केस में क्या होता है, हर रॉड के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है, आई बात समझ में? इन सच कॉम्बिनेशन टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस each rods are equal, होगा? Yes sir। ये दोनों पहले कॉपी कर लो, फिर दोनों के कुछ कुछ प्रॉब्लम करता हूं। इसको कॉपी कर लीजिए।
लिख लिया? यस सर। बोलते भी नहीं हो सर। आगे बढ़े सर, बस वो नीचे लास्ट लाइन लिखा था। लिखो जल्दी। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, एक ही क्वेश्चन जिससे सीरीज पैरेलल दोनों हो जाए इसके लिए। इसको करो, ध्यान से पढ़ना, समझने में दिक्कत हो तो बताना।
बोलो, आया कुछ समझ में? सर एक मिनट। बोलो, आया? नहीं तो देखो इधर, थर्मल रेजिस्टेंस होता क्या है? तो एल अपॉन के ए होता है। तो ये वायर सेम है, तो ध्यान से देखोगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जीरो, ये हंड्रेड लिख सकते हैं, ऐसा बोलना। हाँ। तो अगर मैं 5 सेंटीमीटर को आर बोल दूं, मतलब मेरा आर है प्रोपोर्शनल टू 5 सेंटीमीटर लेंथ वाला, वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, ठीक है। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, और ये 60 सेंटीमीटर है, मतलब 5 आर होगा, ये भी 5 आर होगा, ये 4 आर होगा, और ये भी 4 आर होगा। होगा ऐसा? बार होगा।
क्या बोल रहे हो बेटा? वो 12 बार होगा ना, 60 सेंटीमीटर वाला। हाँ हाँ 12 होगा, 60 है तो 12 होगा ना, ये दोनों 12 होगा। हाँ 12 बार होगा, ये 12 बार होगा, ऐसा होगा, ऐसा है ना। ये तीनों सीरीज में होगा? यस सर। हाँ सर, क्योंकि जो हीट करंट यहाँ आया यही इधर जाएगा और यही इधर जाएगा, तो आई मीन एक पोर्शन उधर जाएगा और एक पोर्शन इधर जाएगा, तो ये पोर्शन ही तीनों में जाएगा, तो ये तीनों सीरीज में हो गया, हो गया। हाँ सर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर, ट्वेल्व आर और ये 14 आर होगा, ऐसा बोलो? हाँ है ना। हाँ सर। अच्छा पूछा क्या है वैसे, देखा नहीं मैंने। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ बेंट पार्ट। अच्छा ये 14 आर से कितना जा रहा है ये पूछा है। इफ टोटल हीट टेकन आउट पर सेकेंड इज 130 जूल। अरे तब तो आसान है, इतना बेकार मेहनत किया मैं, मुझे लगा वो भी कैलकुलेट कर, हो गया फिर तो। यानी कि ये 130 जूल है ना, ये 130 जूल में से कुछ पोर्शन इधर गया और कुछ पोर्शन इधर गया, तो ये वाला पोर्शन मान लो एच है, तो ये वाला पोर्शन 130 माइनस एच हो जाएगा। मुझे एच ढूंढना है, yes, है ना, तो मुझे एच ढूंढना है, तो कॉमन सेंस से देखो 14 आर इंटू एच इज इक्वल टू 12 आर इंटू 130 माइनस एच, ऐसा होगा? आया ना? हाँ सर। पक्का या डाउट है तो बोलो। यस सर। अच्छा तो ठीक है, 14 एच इज इक्वल टू 12 इंटू 130 माइनस 12 एच, तो ये इधर आ गया, तो 26 h इज इक्वल टू 12 इंटू 130, 13 टू जा 26, तो h हो गया 60 जूल। आया समझ में? सर डेल्टा टी को इक्वल किया ना? हाँ डेल्टा टी इक्वल किया, ये दोनों तो पैरेलल में होगा ना बेटा, तो दो पैरेलल में होते हैं तो डेल्टा टी इक्वल होता है ना टेम्परेचर डिफरेंस, समझ आया कुछ? आगे बढ़े?
एक मिनट सर, यस नेक्स्ट। Prieto, excelente. कोशिश कीजिए इसको।
बोलो कुचम का सर एक भेजा आपको भैया। चलो अभी देखते हैं। इसमें चार आइडेंटिकल रॉड है, ठीक है। देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, यही कहानी है। तो इसको मैं ऐसा कर देता हूं, आर आर बाई टू, आर बाई टू, आर आर, ऐसा होगा। हाँ सर, ऐसा होगा। यहां का टेम्परेचर टी थ्री, यहां का टेम्परेचर टी टू, और यहां का टेम्परेचर टी वन, और यहां का टेम्परेचर टी मुझे ढूंढना है, यही कहानी है। हाँ सर। अच्छा, ये दोनों सीरीज में दिख रहा है। हाँ सर। और ये दोनों सीरीज में दिख रहा है ना। तो इस कहानी को मैं ऐसा कह दूं, टेम्परेचर टी टू, टेम्परेचर टी थ्री, टेम्परेचर टी वन, ये वैल्यू थ्री आर बाई टू, ये वैल्यू थ्री आर बाई टू, ये वैल्यू आर, और ये टेम्परेचर टी मुझे ढूंढना है, यही कहानी होगी। यस सर। तो मुझे नहीं मालूम किधर से किधर हीट फ्लो कर रहा है, तो मैं ऐसा सोच सकता हूं कि ये जो हीट फ्लो कर रहा है, ये जो हीट फ्लो कर रहा है और ये जो हीट फ्लो कर रहा है, तीनों का सम जीरो होगा। अगर इस डायरेक्शन में लेता हूं जंक्शन रूल से। हाँ सर। ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर। तो फिर आसान है, इसका मतलब टी वन माइनस टी अपॉन, नहीं आया समझ में बात, प्लस टी थ्री माइनस टी अपॉन थ्री आर बाई टू, प्लस टी टू माइनस टी अपॉन थ्री आर बाई टू, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। ऐसा है कि टी थ्री से मान लो कुछ करंट आया, टी टू से कुछ आया, तो टी वन में वापस उतना जाएगा। तो या ऐसे कह सकते हैं कि नेट सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज जीरो, जंक्शन रूल याद है। नहीं सर। गधे सर, वो नाम से कभी पढ़ा नहीं ऐसा जंक्शन रूल। सुन ऐसे समझ, ये एच थ्री है और ये एच टू है। चलो तुम लोगों के लिए मैं ऐसा कर देता हूं, एच वन को ऐसा कर देता हूं, ठीक है। अब समझ जाओगे, एच वन को अगर ऐसा कर दूं और तब मैं ऐसे लिखूं कि एच थ्री प्लस एच टू इज इक्वल टू एच वन, तो समझ आएगा। हाँ। ये आ गया समझ में? हाँ सर। तो H1 को उल्टा कर दूं तो वही तो लिखा हुआ है, नया क्या है इसमें? इस डायग्राम में यही मतलब हुआ ना कि इधर से जितना आया और इधर से जितना आया, इन दोनों का सम जंक्शन से कितना आउटगोइंग हुआ, इसके बराबर है। लिटरल मीनिंग यही है ना इसका। तो इसका दूसरा मतलब ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल थ्री इनकमिंग इज जीरो। बोल बेटा जो बोला था। नहीं सर। आप समझ आया? हाँ 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 समझा सर। तो आर सबको हटा दो, तो टी वन माइनस टी प्लस टू बाई थ्री, टी थ्री माइनस टी प्लस टू बाई थ्री, टी टू माइनस टी, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो इधर मेरा हो गया T1 प्लस 2 by 3 T2 प्लस 2 by 3 T1 is equal to T, इधर ले जाओ
तो वन प्लस टू बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री, थ्री एलसीएम ले लो, सो थ्री टी वन प्लस टू टी टू प्लस टू टी वन अपॉन थ्री, और इधर हो गया टी अपॉन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव प्लस टू सेवन, ऐसा हुआ, बोलो। तो टी की वैल्यू हो गई थ्री टी वन, एट्टी थ्री होगा ना, थ्री टी वन प्लस टू टी टू प्लस टू टी थ्री डिवाइडेड बाय सेवन, ये आंसर होगा। हाँ सर, या यार आया समझ में? यस सर। इसका नहीं आया जल्दी कॉपी कर लीजिए। या हो गया तो आगे बढ़े। हो गया सबका, आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ठीक है, ये है नोट टू, नोट थ्री, एक और नई चीज देखो। व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम सुने हो तुम लोग? स्कूल में? हाँ, इसे स्कूल में था, नहीं सुना। तो कहाँ सुना फिर? तो आई गेस केवीपी का जो अपना एंट्रेंस टेस्ट था उसमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज लगाना था, तो कुछ यही सब पढ़ा था। किस एंट्रेंस टेस्ट में? सर ये केवीपीआई बैच का सिलेक्शन टेस्ट जो था सर। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, पहले ये होता क्या है बता देता हूँ। इसका प्रूफ हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, फिर देखेंगे इसको इस चैप्टर में कैसे यूज करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ ऐसा होता है, ऐसे समझो इस पॉइंट को मान लो ए कहते हैं, इस पॉइंट को बी कहते हैं, इस पॉइंट को सी कहते हैं, इस पॉइंट को डी कहते हैं, इस रेजिस्टेंस को आर वन कहते हैं, इस रेजिस्टेंस को आर टू कहते हैं, इसको मान लो आर थ्री कहते हैं, इसको आर फोर कहते हैं और इसको आर फाइव कहते हैं। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, प्रूफ इसको करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। If R1 upon R3 is equal to R2 upon R4, then potential of C equals to potential of D. That is, no current will flow through R5, ठीक है। ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। अब इसका फायदा क्या है? अगर ऐसा हो गया R5 से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में, इधर ये दोनों सीरीज में और बाद में सब पैरेलल में होगा ना,
समझ आया? हाँ सर। हेंस इसको हम ऐसा कह सकते हैं, ये सर्किट कुछ ऐसा हो गया, ऊपर वाला दोनों सीरीज में आर वन प्लस आर टू, नीचे वाला दोनों पैरेलल में आर थ्री प्लस आर फोर, ऐसा होगा? होगा। तो इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरा आर थ्री प्लस आर फोर इंटू आर वन प्लस आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर। समझ आया कैसे? जब पैरेलल में होता है तो आर इक्विवेलेंट आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू होता है ना, क्लियर है? तो ये वी टेस्ट ऑन ब्रिज सर्किट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इसी में वोल्टेज की जगह टेम्परेचर होगा और रेजिस्टेंस की जगह थर्मल रेजिस्टेंस होगा, तो इसको हीट कंडक्शन में भी यूज कर पाएंगे। हाँ सर, है ना। इसका प्रूफ हम लोग ऐसा क्यों होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे। अभी इसको लिख लीजिए और इसको यूज करना सीखिए। इसको लिख लीजिए, इसके क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। चलो इसको लिख लो, इसके क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। लिख लीजिए, जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हैं।